कोफ्ते। भाई वाह, आज खाने में कोफ्ते, मजा आ गया भाई। कोफ्ते तो चीज ही बहुत बढ़िया रहती है। और अपना यूट्यूब और अपना व्यू, अभी थोड़ी सी लेट एडिट करिए तो आधे घंटे लेट अपलोड हुई है वीडियो। अब मेरी वीडियो में देख शक्ल दिखाई देता हूँ अपनी, नहाया धो रही हूँ, बट चलो ठीक है, थोड़ा माइंड मत करना। बट यार पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियो रेगुलर नहीं हो पा रही, मतलब कभी 2:15 पे या 2:30 बजे, 2:10 पे, ऐसे ऐसे वीडियो डालता हूँ, पर थोड़ा माइंड मत करना। तो इसलिए बेल आइकन दबा दिया करो, तो क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं कब वीडियो डालूंगा। लेट मी एंजॉय माय फूड नाउ, थैंक्स। आज एक काम करता हूँ, लिफ्ट को भी चमका ही देते हैं थोड़ा सा। काम तो मेरे को ही पड़ता है ना शीशे का, ये देखना कितने गंदा शीशा हो रहा है। आज शाम को फिर पक्का ही कर दूंगा, एकदम मस्त चमका दूंगा इसको कि मेरी शक्ल और अच्छी लगे। लगती तो है ही, बट थोड़ी कर दूंगा ना, समझ जाओ यार। कल मैं अपनी गाड़ी पे ध्यान दे रहा था कि अगर सिल्वर पार्ट सारा ब्लैक हो जाए तो कितनी तगड़ी लगेगी। चलो आज देखते हैं, अगर हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। गाइस थोड़ी सी बीटी हो चुकी है मेरे साथ, जहाँ से मैंने अपने अलॉय पेंट कराए थे काले, उनके पास मैं गया, मैं भाई ग्रिल पेंट करानी है, तो कह रहा पेंटर गया हुआ है। मैं कहा ये क्या लगता है गया हुआ है भाई, ऐसे मत करो, ग्रिल पेंट करानी है आज मेरे को। कह रहा ईद के बाद आएगा, ईद है 3 तारीख को ख़त्म, आज है 20 तारीख, तो भाई 13 दिन थोड़ी ना रुका जाएगा, तो पता नहीं देखो अब क्या सीन है, या तो कहीं और से कराता हूँ या फिर रुक जाता हूँ, पता नहीं यार। तो ज़िंदगी में कुछ सोच ही निकलता हूँ ना, वो होता ही नहीं है। गाइस मैं वैसे अपने टायरों की ना कंडीशन देख रहा था कि कितने घिस गए और कितने पत्थर उत्थर है, और ये देखो क्या दिखा, एक पंचर मिल गया। तो पर हवा तो बिल्कुल सही है टायरों में, देखो निकलते बढ़ते करवा लूँगा चेंज। देख लो जो पता नहीं जेब में कितने सालों से पड़े रहते हैं, फिर वो निकल जाते हैं एकदम से। ये लो भाई, ना ना बस वही लाड साहब ने कोक भी तो मंगाई है। ए गाइस, हेलो गाइस, चाय चल रही है और कोल्ड ड्रिंक मंगा रखी है मेरे से, और वैसे इनकी चाय चल रही है भाई। यहाँ से देख के गया, मेरे को दिखे नहीं ना, मैं उस तरफ से देख के आ रहा था। हेलो गाइस, हाउ वाज योर कसौली हिल्स ट्रिप्स? व्हाट्स अप मैन? हैव योर कोल्ड ड्रिंक? हमने कॉफी पी ली है, हाँ। कोल्ड ड्रिंक मंगाई है। मैं भी यही बोल रहा था, मैं कहते कि पीते चल रहे, अरे इनने वो मंगा रखी है वैसे भी। भाई ये दोनों अपनी थार खड़ी, पता नहीं कब धुलेंगे यार, ये धुलने में इतना टाइम ले रहे हैं जब से खड़े हम, तो घूमे आए बाहर भी घूमे आए, अंदर इतनी देर बैठे हुए थे, अब तक इनकी गाड़ी धुल के नहीं दे रही यार। चुपचाप खड़ा रहता हूँ यहाँ पे, इन्हें आन दो, इन्हें डरा दो। क्या हो गया? अरे क्या हो गया पा? मस्त चीज नहीं है? अरे को बोल तो सही कुछ काम करते तो बोल ही नहीं निकल रहे मुंह से। हन्नी भाई बहुत तारीफ कर रहे थे यहाँ की कॉफी की, जरा एक बार कॉफी टेस्ट कर लेते हैं इनकी यहाँ की। भाई को तो सारे शोरूम की वर्कशॉप की कॉफी पसंद है, ये मशीन वाली होती है ना, थोड़ी सी अलग होती है मतलब घर वाली से, बट वाह बढ़िया है, नाइस। ऑल्टोरेस G4 बहुत प्यारी गाड़ी है। अरे हन्नी फोटो बॉम कर रहा है, तो यार ये गाड़ी चल नहीं पाई इनकी, पता नहीं महिंद्रा वाले की मार्केटिंग थोड़ी ख़राब थी, बाकी तो गाड़ी बहुत अच्छी लगती है मेरे को, ये इंटीरियर भी एक्सटीरियर भी हैवी लगती है देखना, वो बात अलग है। हन्नी भी फोटो बॉम करता आ रहा है, बट गाड़ी बड़ी प्यारी ऑल्टोरेस G4। गाइस मैं अपनी अमानत लेने आ गया हूँ, मेरे एकदम याद आ गई मेरी अमानत भाई, यार मेरी गाड़ी में नहीं है, अबे इसमें से निकाल लेना। ओ भाई मेरे पता कितने दिन खराब हो गए इसके बगैर, मेरे तो एकदम नजर पड़गी भाई। कॉलेज क्या निकाल रहे हो ये, अब तो नहीं मंगा लेना आप भाई। अच्छा यार जिनके पास में इनकी गाड़ी धुल के नहीं, जब से आया ना जब से इनकी गाड़ी वॉशिंग पे लगी थी, अब जाके फ्री हुए हैं 7:30 बजे। वेरी गुड, एक बार हन्नी के घर चल लेते हैं भाई, कह रहा कि एक बार घर आ जाओ। चलो भाई पास में ही भाई का घर कहीं, भाई हमारा काफिला तो देख लो, ये आगे हन्नी की थार चल रही है, पीछे कटारिया की थार चल रही है, दोनों साफ साफ, और मेरी कितनी गंदी हो रखी है आज, आज तो सही में बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है, अंदर से भी और बाहर से, नहीं अंदर से नहीं, सॉरी अंदर से तो मैं माइक्रो फाइबर ला रखा हूँ ना, तो अंदर से चमका देता हूँ, बाहर से बिल्कुल ऐसी तैसी हो रखी है इसकी, टाइम ही लगता भाई हमारा तो। एक ये कुत्ता है और एक हन्नी भाई पे देखिए जा रहा भाई, ये दो दो कुत्ते कैसे मेंटेन कर रहे हो, मेरे से देख नहीं हो पा रहा ढंग से, प्यारे तो हैं पर यार ये मेंटेन कैसे कर रहे हो, इनकी देखभाल कैसे रख रहे हो, मेरे से एक कुत्ते की नहीं रखी जाती। ये देखिए एक और आ गया, ये ना इनको मैंने ऐसे सिखा रखा है
कि अगर मैं इसको यहाँ गेट में छोड़ता हूँ ना कि भाई जाओ अपने वॉशरूम वॉशरूम हो जाओ अपने बाहर जाके, फिर बाहर जाते हैं करके आते हैं वो वापस ऊपर आ जाते अपने आप। मेरा कुत्ता भग जाता है भाई, पर मेरा किचन में नहीं जाता, तुम्हारा किचन में जाता है भाई, किचन में कुछ करता, खाता वाता नहीं है कुछ भी। अच्छा वैसे घूम फिर के आ जाता है, इधर जाएगा ऐसे जाएगा सो के वापस घूम के अपने बेड पे बैठ जाएगा। अभी दोनों पागल हो गए, चढ़ गए, रेक्स की स्मेल आ गई मेरे में से। ऐसे शरीफ है मेरे दोनों कुत्ते, दोनों प्यारे प्यारे से है ना। उल्लू कम है ऊपर गोदी में आ जाएगी ऊपर, वो बेचारा दिल लेफ्ट आउट फील कर रहा है भाई। ये तो इतनी है कि एक सेकंड में मतलब इसको बोल, अगर मैं यहाँ से वॉशरूम तक जा रहा हूँ तो वॉशरूम तक पीछे जाएगी भाई। ब्याह शादी का माहौल चल रहा है, ब्याह करा ले तू भी। पहले पहले मुन्ना का होएगा ना, पहले इसका होगा, पहले है इसको आएगा पहले, तो पहले। सुन डाटी किसके ज्यादा है भाई, डेड किसकी ज्यादा है भाई, भाई तो भाई दोनों एक गेम चढ़ो मुन्ना, हम क्या कह रहे हैं, हम दोनों तो आउट इस गेम से, डाटी लूटी का गेम है। हां भाई देख ले किस डाटी, भाई लड़की तो देख ले हमारे लिए, पर सुधरी होनी चाहिए भाई, तुम मेरे लिए देख लो ना मेरे को, भाई जितने बुरे ये इतनी बुरी मिलेगी, सुधरी क्या मिलेगी, भाई बुरी भी ले लेंगे भाई लड़की। हेलो एक भाई बुरी बता रहे, बुरा बता रहे हम, देख देख ना, मैं तो चल बुरा हूं, ये तो फेर भाई का फेर लगाने के बाद है सही कह रहा भाई, तो बाल लगाने के बाद है, इसको पता है क्या बोल रहा है भाई, ये लॉन्ग फ्रेंडली आदमी है, टी-शर्ट वाइट है ना, वाइट आई होगी, मुंह पे लगा, मुंह पे लगा कुछ निकल जाए तो, मुंह पे लगा फेयर एंड लवली, अरे देख भाई कुछ है, अरे रात हो रही है सबको पता नहीं दिखेगा, रात हो रही है, ये नेचुरल ब्यूटी है मेरी बात, सिंपैथी ले रहा है, सबसे ज्यादा रोटी और सब्जी यही उधेड़ेगा, फिर से पूछ लो भाई। बात ये थी कि मेरे को प्रिपेयर नहीं था, ये देखना ये सारे कम से कम लोअर इस, ये तो भाई जींस वींस में जूतों में, और मेरे को देखना भाई मैं लो उसमें हूँ, कच्चे में आ रहा हूँ यार, कार्ड्स बांट रहा हूँ ना, ओह शिट भाई फुल फन कर लिया, मतलब गला भी मेरा थोड़ा खराब सा हो गया, और शक्ल देख के लग रहा हो कितना नाचो भाई। 3 बज गए, हम आए थे यहाँ पे शायद 10 बजे के करीब आए होंगे, और 3 बजे जब से नाच रहे जब से नाच रहे। अब पता भाई सीन क्या है, सीन ये है कि मैं वापस मम्मी को फोन करूंगा, 3 बज रहे हैं, हमारे घर में आज फिर गले सूता दिख रहा है मेरे को कि रात को इतनी लेट क्यों आ रहा है, बट मैंने मम्मी को बता दी थी कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, दोस्त की शादी है, तो कल शादी है, बट एक दिन पहले थोड़ा फन रहता है ना, वही वाला फन कर रहे थे हम, अभी मेरे फोन में बैटरी नहीं है तो घर जाके चार्ज करके देन आई विल सी यू, ओके या वेट फॉर 2 सेकंड्स, 1 2। परेशान तो बहुत ज्यादा हो गया मेरे से, मैं थप्पड़ मारूं बंद कर सकते, 3 3 कुत्तों की स्मेल आ रही है इसको मेरे में से। अब जाके चैन मिला गाइस, थोड़ा सा मुंह हाथ धोया, कपड़े वपड़े चेंज करे, अब थोड़ा फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है, पता नहीं फ्लिकर क्यों कर रही है वापस लाइट यार, हमें बहुत इरिटेट होती है, अब देखो कल परसों 2 3 दिन से नहीं कर रही, अब कर रही है, और वैसे सही है। व्हाई कांट आई गेट दिस फिक्स्ड, ओके गाइस प्लीज डील विद इट, ओके थैंक्स। चलो भाई एडिटिंग पे बैठते हैं, और मुझे तो लग रहा है कल भी मुश्किल ही है मेरा कॉलेज, क्योंकि शाम को फिर उसके बारात में भी जाना है दोस्त के, फिर 2-4 काम भी है दिन में, तो कल मुश्किल है कॉलेज, अगर हुआ तो चले जाएंगे, वैसे तो मुश्किल है कौन जाएगा, बट एग्जाम वगैरह हो तो दिक्कत हो जाएगी भाई, सर वापस फोन कर देगा घर पे, मेरा फोन भी तो करने लग गया घर पे, सर सर अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो सर मत करे करो यार घर पे फोन सर प्लीज, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, थैंक यू। चलो इसी बात पे एंड करते हैं इस व्लॉग को, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।